वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारी कौन कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी तक हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले किए हैं, आइडेंटिटीज की है, उनका हम सबका यूज होगा इसमें। जो ये एक्सरसाइज हमारी 8.4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसका जो क्वेश्चन 5th है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके 10 पार्ट्स हैं और हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चन में देखिए, मैक्सिमम हम लेफ्ट से राइट ही प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? लेफ्ट से राइट हैंड साइड ही दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो इजी केस रहता है हमारा, लेफ्ट से राइट ही रहता है। और इनको हम किस तरह से प्रूव करें? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखिए इधर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर। सबसे पहले, क्योंकि बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी टफ है जो 10th क्लास में स्टार्टिंग में आते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी रिवीजन करने की जरूरत है। सारी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज 8.4 से पहले, वो सभी आपको आने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उनकी, और किस तरह से यूज करेंगे ये आपके रिवीजन इसके लिए मस्ट है। मैक्सिमम केसेस में हम मोस्टली हम लेफ्ट हैंड साइड जो होती है हमारी लेके चलते हैं, उसको हम साइन और कोस थीटा में कन्वर्ट करते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि साइन थीटा एंड कोस थीटा में ही कन्वर्ट करना है। मैंने मोस्टली बोला है, मोस्टली हम साइन और कोस में ही चेंज करते हैं। लास्ट में हम इसको भी देखते हैं राइट हैंड, जैसे हमारा आंसर आ रहा होता है, या हम लास्ट राइट हैंड साइड को भी देखते हैं हमें किसकी जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग कभी हम किसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, कभी किसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको तभी सिचुएशन, किस सिचुएशन में क्या यूज करने हैं, कहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी है, तो ये आपकी रिविजन पे डिपेंड करेगा। इसके लिए रिविजन मस्ट है, और फॉर्मूले जितने भी उनकी नॉलेज जरूरी है। देखें, कोसेक, कोसेक मैंने जैसे कि बोला लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, उसको साइन और कोस में चेंज करेंगे। कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, 1 बाय साइन थीटा। समझ में आया? 1 बाय साइन थीटा, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। और कोट, मैंने बोला कोस और साइन में चेंज करना है। कोट किसके इक्वल होता है? पहली एक्सरसाइज में किया था कोस बाय कोस थीटा बाय साइन थीटा। टेन किसके इक्वल होता है? साइन बाय कोस। ठीक है, हो गया हमारा साइन और कोस में चेंज। साइन थीटा एलसीएम आ गया, जैसे आपको पता है 1 बाई एक्स माइनस 4 बाई एक्स, तो दोनों सेम है तो एलसीएम कितना आएगा? एक्स ही आएगा ना, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया? साइन थीटा। जैसे हम आप नंबर्स में या एलजेब्रा में प्लस या माइनस करते हैं, फ्रैक्शन में जो नंबर होते हैं, ठीक है, उसी तरह आप ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। साइन थीटा, डिनोमीटर को डिनोमीटर से डिवाइड किया, साइन थीटा से डिवाइड किया, 1 डिनोमीटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो भी हमारा आंसर आ जाता है उसको न्यूमरेटर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, 1 आ गया, माइनस साइन को साइन से डिवाइड किया, 1 इंटू कोस थीटा कोस थीटा। समझ आ गया? ये पूरा आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी किए हैं, ए बाई बी की होल स्क्वायर, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर। और साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है, मैंने आपको बताया है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है साइन थीटा कितनी बार मल्टीप्लाई है? 2 बार, ठीक है, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। और कभी भी एंगल की स्क्वायर नहीं होता, इसका मतलब है साइन, इस साइन यहां पे आता है स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा की होल स्क्वायर। और सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी जैसे कोस होता है, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसे नहीं लिखेंगे हम, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, थीटा की स्क्वायर नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दें, राइट हैंड साइड में 1 माइनस कोस थीटा, 2 पावर है, ए की पावर चाहिए, नीचे 1 प्लस कोस है, तो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लो कोस वाली में। तो आपने आइडेंटिटी की थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां पे हम यूज कर रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, सिंस साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हमने यहां पे आइडेंटिटी यूज कर ली, ठीक है। जो हमारी आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहां पे दो आइडेंटिटी दो फॉर्मूले निकलते हैं भाई, sin स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने ये यूज कर लिया 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा की होल स्क्वायर, देखिए इसका मतलब है 1 माइनस cos, ध्यान से देखें स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 की स्क्वायर माइनस cos थीटा की होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है। यहां पे लग गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b, तो इसको दो लिख सकते हैं, तो यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b, हम नई आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो a 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, और 1 प्लस cos थीटा, ये आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं 1 की स्क्वायर, तो a माइनस b a प्लस b, ठीक है। तो एक पावर कट गई 1 माइनस cos थीटा और नीचे क्या बचा 1 प्लस cos थीटा, कौन सी साइड है राइट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, प्रूव cos a डिवाइड बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a डिवाइड बाय cos a इज इक्वल टू 2 sec a, टेक लेफ्ट हैंड साइड, देखें राइट हैंड साइड में वैसे भी सिंगल एक टर्म है और एक टर्म से इतनी टर्म पे आना बहुत ही मुश्किल है, टफ है। तो अगर आपको लगता है सर राइट से लेफ्ट पे आ जाएं, जितने हमने प्रोसेस किए आप रिवर्स कर देना उसको, पता लग जाएगा आपको कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ली, एलसीएम ले इसका, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी साइन और कोस में कन्वर्ट है, जैसे कि मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड लें तो उसको मोस्टली हम साइन और कोस में ही कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट है, एलसीएम लें, एलसीएम क्या आ गया कोस ए 1 प्लस साइन ए, देखो जैसे साइन ए मान लो एक्स है, ठीक है, और ये कोस वाई मान लिया, तो इसका एलसीएम क्या आता है, इनमें तो कुछ कॉमन है नहीं ना, यही तो आता है ना, दोनों की इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन ही क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा, जैसे हम एलजेब्रा में एलसीएम लेते हैं वैसे ही हमें ट्रिग्नोमेट्री में एलसीएम लेना है। 1 प्लस साइन डिनोमिनेटर से काट दे क्या बचा कोस ए, और कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर से मैंने बोला है डिवाइड करना है, कोस ए कोस डिवाइड हो गया क्या बचा 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और कॉमन मिस्टेक बच्चों की बताता हूं, क्या बच्चे क्या लिखते हैं, कोस से कोस कटा 1 प्लस साइन ए ये लिख देते हैं, अरे भाई 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी क्वांटिटी को सेम चीज को सेम चीज से मल्टीप्लाई करने में पावर चली जाती है, एक पावर दो पावर हो गई, ठीक है। तो cos स्क्वायर a इसमें लगा दो a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई cos a 1 प्लस साइन a, cos स्क्वायर a प्लस 1 इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर a 2 साइन a cos a 1 प्लस साइन a। अब इसको इसके साथ ऑपरेट कर दें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी की थी ना आपने, तो इसको इसके साथ लिख दें आप, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और इस 1 को लिखें बाद में प्लस 2 साइन a cos a 1 प्लस साइन ए, और ये आ गया 1, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है भाई, क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए cos a, ये एजिटी लिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ओके okay।
इसकी जगह वन लिख दिया, ये वन था ही, टू साइन ए। अब टू प्लस टू साइन ए कोस ए, वन प्लस साइन ए, टू कॉमन आ गया, वन प्लस साइन ए कोस ए, वन प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, वन प्लस साइन ए टू इंटू वन बाई कॉस। कोस इसका रेसिप्रोकल होता है सेक का, अगर कोस नीचे है तो ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा सेक, नीचे सेक है तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोस, साइन नीचे है तो ऊपर जाएगा कोसेक। आपको देखना वन बाई कॉस किसके इक्वल होता है सेक के, क्योंकि तो सेक का रेसिप्रोकल होता है टू सेक ए। ठीक है, दिस इज राइट हैंड साइड, समझ आ गया वन बाई कॉस क्या होता है सेक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहली एक्सरसाइज में आया था 8.1 में, 1 बाई कोस 1 बाई 10 कोट होता है, 1 बाई कोस सेक होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड आ गई।